उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज पटना में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही विपक्ष को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली एमसीडी में ये आपकी बड़ी जीत है और बीजेपी के खिलाफ जनता जनार्दन थी और उसका लाभ आपको मिला है। और वहीं उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि हिमाचल में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और गुजरात में हम अच्छी स्थिति में रहेंगे। और वहीं कश्मीर को लेकर कहा कि सबको मालूम है कि पीओके पर पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा है और उसे आतंकवाद का अड्डा बना दिया गया है, वहां पर रहने वाली जनता परेशान है। हाँ, आप की ये बड़ी जीत है और भाजपा के खिलाफ जनता जनार्दन थी, इसलिए जो भाजपा को उखाड़ सकता था पूरे उनके संसाधनों और धनबल जनबल आदि के बावजूद जो है, तो लोग उसके साथ पोलराइज हो गए और उसका लाभ, भाजपा विरोध का लाभ आपको मिला। बिहार अनंतो गतवा कांग्रेस और लोकतांत्रिक शक्तियों को शक्ति देगा, ताकत देगा, इसका हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि संविधान बचाने की लड़ाई है। गांधी नेहरू अंबेडकर के सिद्धांतों को, मूल्यों मान्यताओं, आज़ादी के मूल्यों मान्यताओं को बचाने की लड़ाई है, तो इस लड़ाई में बिहार देश की अगुवाई करे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस को बिहार शक्ति दे, ताकत दे, ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विकल्प के रूप में 2024 में उभर सकें। जो कुछ पाकिस्तान के जनरल साहिबान कह रहे हैं और उसके जवाब में हमारे रक्षा मंत्री जी भी कई बार ये बात दोहरा चुके हैं कि हम खामोश कर देंगे ऐसी ताकतों को, तो हमने कभी देर काहे की है, क्योंकि पाकिस्तान ये सबको मालूम है कि पीओके पर उनका अनधिकृत कब्जा है और हमारी संसद ने प्रस्ताव भी किया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय प्रस्ताव किया था कि हमको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी प्रारंभ किए गए। यूँ तो मिलने नहीं जा रहा है, तो हमने कहा भाई, और दूसरा वहाँ आतंकवाद का पनाहगाह बना दिया है, उसको ट्रेनिंग कैंप बना दिया है पूरे पीओके के, वहाँ के जनता भी परेशान है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने कहा ये रोज़ रोज़ की टिक टिक कहेगी, फिर करिए ना इसको, लीजिए और पूरा देश आपके साथ है। कल दो राज्यों का चुनाव का नतीजा आने वाला है, किस तरीके से रहेगा कांग्रेस? मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे, हम 40 से ज़्यादा सीटें लाएंगे वहाँ, और गुजरात में भी हम अच्छा करेंगे और वहाँ भी भाजपा विरोधी ट्रेंड है गुजरात में, हम कितना उसका लाभ उठा पा रहे हैं वो कल रिजल्ट से मालूम होगा। मैं देखिए, हर पार्टी को और हर व्यक्ति को भी लोकतंत्र के अंदर यह हक है पूरा, और नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री भी हैं, मगर देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता के लिए और भाजपा के विकल्प के रूप में कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व के अलावा कोई नहीं है जो देश को थाम सके और भाजपा का विकल्प बन सके। यदि भाजपा को हटाना है तो फिर कांग्रेस को शक्ति देनी है, और जो भी ताकतें भाजपा के विरोध में हैं उनको अनंतोगत्वा इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा।